हेलो एवरीवन वेलकम टू नायरा स्टडी अब आप सब कैसे हैं आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट मैथ हो जाता है उसके बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो कि सीरीज आपकी पवन सीरीज़ है ठीक है ना तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट है कुछ चीज़ें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है उसको क्लियर करना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं माइनस पांच बटे नौ का घन है अब घन का मतलब क्या होता है किसी संख्या का घन यानी उसके ऊपर तीन की घात यानी तीन बार गुणा करना है है ना तो आ, अगर इस तरह भी लिखा होता तो आप वही चीज करते जो यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है ना तो ये यह यहाँ पे आपकी तीन की तीन संख्या यानी ये घात लग गई ठीक है ना क्या है किसी संख्या का घन यानी उसके ऊपर तीन की घात यानी तीन बार गुणा ठीक है अब देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ पे माइनस पाँच तो माइनस पाँच को तीन बार लिखना है माइनस पाँच गुड़े माइनस पाँच गुड़े माइनस पाँच अब बटे में आपका नौ है तो आपको नौ और गुड़े नौ गुड़े नौ इसी तरह से तो लिखना है ना अब क्या करेंगे अब हम इसको इसको गुणा करेंगे तो पचम पच्चीस और पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस कितना होता है तो एक सौ पच्चीस अब यहाँ पे इसको भी समझ लेते हैं आपका माइनस था है ना ये माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस हो जाता है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है एक तरह और समझ लें शॉर्ट ट्रिक में है ना बहुत ज्यादा शॉर्ट में आप समझ लें यहाँ पे विषम संख्या है यानी तीन है तो आपका माइनस में आएगा यहाँ पे मान लीजिए चार संख्याएं होती हैं तो आपका सम में आता है यानी चार संख्याएं यानी सम में आता है तो सम का मतलब हो जाता है प्लस में यहाँ पे होता कितना होता तो प्लस में होता लेकिन यहाँ पे तीन है तीन हो जाते हैं पाँच हो जाते हैं सात नंबर हो जाते हैं इस तरह से जितने भी नंबर आते हैं वो माइनस के रहेंगे तो इस तरह से आप चीज़ों को समझें उसके बाद आपको क्या करना है नौ का गुणा करना है नौ से नौ नमा इक्यासी हो जाता है और इक्यासी नमा कितना हो जाता है तो इक्यासी नमा हो जाता है सात सौ उनतीस आपको जैसे नहीं आ रहा है तो आप इसका गुणा कर ले यानी इक्यासी को आप किससे गुणा करेंगे तो इक्यासी को आप नौ से गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा यानी नौ एक नम तो नौ हो जाता है नौ अठी बहत्तर हो जाता है देखिए आपका निकल कर आ गया यानी सात सौ उनतीस हो जाता है अब आप देख ले माइनस के 125 सौ बटे सात किस ऑप्शन में है तो आपका देखिए इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 25 बटे इक्यासी हो जाता है माइनस और बा में माइनस पच्चीस बटे इक्यासी हो जाता है और शाम एक सौ पच्चीस और बटे सात सौ उनतीस लेकिन माइनस का जो है तो माइनस एक सौ पच्चीस बटे सात सौ उन्तीस आपका दै इस तरह से आपका ऑप्शन राइट हो जाता है चलते हैं क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे देखिए तीन फिर करनी है और एक सौ पच्चीस गुड़े तीन सौ तैतालीस का मान अब इसको क्या करना है आपको घनमूल बहुत अच्छे से पता होंगे जैसे एक का के कितना होता है तो एक का एक ही रहता है एक को आप चाहे जितनी बार गुणा करेंगे एक ही तो आएगा अब दो का कितना हो जाता है तो दो का आठ यानी घन जो होता है दो इसको तो इसको मतलब क्या होता है तीन बार लिखना होता है तो दो गुड़े दो गुड़े दो है ना तो दो दूना चार दूना आठ यानी इसका कितना निकल कर आ गया तो आठ निकल कर आ गया इसी तरह से आप इनको जब सीरियल वाइज सब याद कर लेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन है अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है कहीं पर भी अब जैसे हमने जैसे इसको देखा एक सौ पच्चीस तो समझ गए ये एक सौ पच्चीस जो आपका हो जाता है वो किसका है तो वो पाँच का है है ना तो पाँच आपने देख लिया यहाँ पे यहाँ पे पाँच आपने लिख दिया यानी एक सौ पच्चीस और यहाँ पे आपका ये तीन हो जाता है एक सौ पच्चीस और गुड़े आपका हो जाता है तीन सौ तैतालीस ठीक है ना तो एक सौ पच्चीस किसका है तो ये पांच का हो जाता है है ना अब यहाँ पे गुड़े का निशान है तो आप गुड़े का निशान लगाएंगे और तीन किसका है तो ये सात का हो जाता है है ना अब कुछ इस तरह से ही बनकर बन गया आपका तैयार हो गया अब आपने क्या किया पाँच सत्य पैंतीस है ना जब गुड़े में है तो इसको गुड़ा ही तो करेंगे तो पाँच सत्य पैंतीस हो जाता है अब देखिए आपका पैंतीस किस ऑप्शन में है यानी कि आ ऑप्शन में है यही राइट आपका हो जाता है तो आप लोग इनको एक से पंद्रह तक तो बिल्कुल ही अच्छे से याद कर लें जैसे दो का तो आठ हो जाता है तीन का गण कितना हो जाता है तो सत्ताईस हो जाता है पांच का कितना होता है तो एक सौ पच्चीस होता है छः का तो दो सौ सो सोलह होता है तो इस तरह से दस का कितना होता है तो एक हज़ार होता है ग्यारह का कितना होता है तो तेरह सौ इकतीस होता है और बारह का तो सत्रह अट्ठाईस और तेरह का इक्कीस सत्तानवे और चौदह का सत्ताईस चवालीस यानी दो हजार सात सौ चवालीस हो जाता है इसी तरह पंद्रह का आपका हो जाता है तैतीस पिछहत्तर यानी तीन हजार तीन सौ पिछहत्तर हो जाता है ठीक है ना तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा उसके बाद आपका जो क्वेश्चन हो जाता है वो है जीरो दशमलव जीरो 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 ऐट का घनमूल है यहाँ पे आपको क्या करना है इसका घनमूल अब कुछ इसी तरह से तो आप इसको समझेंगे कि अगर आप इसको जब तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे तो जीरो दशमलव जीरो दो गुड़े जीरो दशमलव जीरो दो गुड़े जीरो दशमलव जीरो दो है ना और ये ये जो बनके तैयार हुआ यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हुआ जीरो दशमलव और कितने टाइम पाँच टाइम जीरो हैं एक दो तीन चार पाँच पाँच टाइम जीरो है ना एक दो तीन चार पाँच और यहाँ पे आठ हो जाते हैं अब आप इसको करें तो दो दूना चार दूना आठ है ना दो दूना चार दूना आठ हो जाता है और आप देखिए अब जीरो 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 यानी जीरो तो यहाँ पे जीरो 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 और उससे पहले दशमलव लगा है तो अब दशमलव लगाएंगे और दशमलव से पहले जीरो लगाना रहता है तो दशमलव आएगा अब आप देख ले यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कौन सा है तो ऑप्शन है यानी जीरो दशमलव जीरो दो हो जाता है क्वेश्चन है जीरो दशमलव जीरो नौ का वर्गमूल है जीरो दशमलव तीन जीरो दशमलव जीरो तीन या जीरो दशमलव जीरो जीरो तीन या जीरो दशमलव नौ हो जाता है तो यहाँ पे क्या करना है वर्गमूल निकालना है वर्गमूल पूछ रहे हैं ना तो वर्गमूल मतलब जिसका दो बार गुणा करने दो बार दो बार गुणा किया जाए तो उसमें क्या मिल जाए तो उसमें जब दो बार गुणा करेंगे तो उसमें आपको मिल जाए जीरो दशमलव जीरो नौ यही तो कह रहे हैं कि ये वर्गमूल तो जब दो बार आप किसी का गुड़ा करेंगे तो किससे आप करेंगे तो इस तरह से आप कर सकते हैं जैसे आपका ये हो जाता है ठीक है ना तो तीन अब इसको आप गुड़ा करेंगे तीन की घात दो हो जाता है तो दशमलव तीन की घात दो यानी दो बार गुड़ा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा तो आंसर आपका जीरो दशमलव जी, तीन निकल कर आएगा है ना जीरो दशमलव तीन यानी कि आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा और दूसरा तरीका भी है दूसरा तरीका भी समझ लेते हैं जैसे आपका हो गया ये दूसरा सेकेंड हो जाता है ना यहाँ पे समझ लेते हैं तो आपका इस तरह से हो जाता है जीरो दशमलव जीरो नौ ठीक है ना और आपका हो जाता है बराबर करनी में आपका नौ हो जाता है और बटे आपका सौ हो जाता है अब ये नौ बटे सौ कहाँ से आए तो इसको भी समझ लेते हैं जब आप इसको दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाने का मतलब क्या होता है आप यहाँ पे एक लिख देंगे और उसके बाद जितने नंबर हैं उतने जीरो लिख देंगे यानी दो नंबर है ना एक जीरो है, एक नौ है तो आपने इतना लिख दिया तो जब तैयार हुआ यानी इक्वेशन बन के तैयार हुई तो क्या नौ बटे सौ ये आपका हो जाता है है ना तो यहाँ पे ये यह हो गया आपका करनी में नौ बटे सौ हो, हो गया अब क्या करेंगे आप तो इसका मतलब क्या हुआ आप इसको तोड़ देंगे जब तोड़ेंगे तब आपका आंसर निकल कर आ जाएगा और आपको ये तो पता है कैसे इसको तोड़ते हैं और कैसे इसको जोड़ते हैं ठीक है ना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन आपका हो जाता है कि जीरो दशमलव एक का वर्ग क्या होगा एक होगा या जीरो दशमलव एक होगा ये जो है जीरो दशमलव जीरो एक होगा या जीरो दशमलव जीरो जीरो एक होगा तो इसको समझ लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या करना है शून्य जीरो एक का वर्ग मतलब वर्ग मतलब क्या होता है अभी डिस्कस कर चुके फिर से कर लेते हैं मतलब होता है जीरो दशमलव एक का दो बार गुणा करना वर्ग का मतलब दो बार ही तो गुणा करना होता है ना कि जैसे जीरो दशमलव एक है और उस पर हमने ये लगा दिया यानी दो हो गया है ना तो ये वर्ग आपका हो गया अब इसको आप गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर लें जीरो दशमलव और फिर उसके बाद ये आपका एक हो जाता है ना इस तरह से आप कर सकते हैं इसको यहाँ पे समझ लेते हैं फिर से समझ लेते हैं इसको जैसे आपका जीरो दशमलव एक और जीरो दशमलव एक अब क्या करेंगे आप इसको कर लेंगे जैसे आप गुड़ा करते हैं तो एक एक कम एक और एक जीरो में जीरो हो जाता है जीरो जीरो कम जीरो हो जाता है जीरो कम जीरो हो जाता है फिर उसका एक और जीरो और जीरो और उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे देखिए कितने अंक के बाद है दशमलव तो आपका जो दशमलव है देखिए एक एक दो तो यहाँ पे और दशमलव से पहले जीरो लगा होना चाहिए तो इसलिए ज़ीरो दशमलव ज़ीरो एक आंसर निकल कर आ जाता है ये आपका सा ऑप्शन में है इसलिए आपका ये राइट हो जाता है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन है जीरो दशमलव तीन की और यहाँ पे क्या लगा हुआ है यहाँ पे क्यूब यानी घन है तीन बार इसका मान क्या है तो यहाँ पे आपको क्या करना है वही प्रक्रिया करनी है यानी इसको तीन बार करना है है ना तीन बार करना है तो जीरो यहाँ पे समझ लेते हैं जीरो दशमलव तीन और जीरो दशमलव तीन तो कितना होगा तीन तीन नौ और आपका ये जीरो अगर आप सिंपल ऐसे करना चाहें अगर इतना ना लेंदी करना चाहें तो आप जीरो दशमलव तीन गुड़े जीरो दशमलव तीन और गुड़े जीरो दशमलव तीन तीन या नौ त्रिक सत्ताईस हो गया ना और उसके बाद एक दो तीन ही आपके जीरो हैं तो उसका आपने क्या किया सत्ताईस और यहाँ पे आपने जीरो फिर दशमलव और आपका क्या हो जाता है जीरो दशमलव और दशमलव के बाद जीरो तो जीरो दशमलव जीरो सत्ताईस आपका आंसर निकल कर आ जाता है यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है अब देख लेते हैं क्वेश्चन शून्य का वर्गमूल क्या होगा तो शून्य का वर्गमूल क्या होता है शून्य का वर्ग निकालें तो भी वर्ग है शून्य का घन तो भी शून्य है और यहाँ पे क्या कह रहे हैं शून्य का वर्गमूल क्या होगा तो शून्य का वर्गमूल शून्य ही होता है यानी कि यहाँ पे दा ऑप्शन में शून्य है तो इस तरह से दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है ठीक है ना आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे ठीक है ना अब क्वेश्चन आपका जो हो जाता है वो क्वेश्चन है आपका छ अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी सबसे पहले आप ये समझे कि कितने अंकों की पूछ रहे तो छ अंकों की पूछ रहे हैं ठीक है ना फिर उसके बाद क्या है छोटी से छोटी संख्या पूछ रहे हैं, अब छ अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है और उसकी पूर्ण संख्या क्या होगी ये चीज देखिए आप लोग जब सवाल समझेंगे तभी उसको आप सॉल्व कर पाएंगे ठीक है ना तो क्या करेंगे छह अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी तो इसके लिए हमें क्या करना होगा छ अंकों की संख्या जो सब छोटी से छोटी है तो कौन हो जाती है देखिए एक हो जाता है और पांच बार आप जीरो लगा दें एक दो तीन चार पांच आपने पांच बार जीरो लगा दिए यानी एक दो तीन चार पांच छः टोटल कितने हुए ये छ हो गए यानी छ अंकों की ये छोटी से छोटी संख्या आपकी हो गई अब इसमें क्या कह रहे हैं कि छ अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी अब इसमें नंबर दिए हैं अब देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वर्ग मूल निकालेंगे ठीक है ना यहाँ पे यहाँ पे लाइन नहीं यहाँ पे लाइन थोड़ा सा लाइन वो हो गई अभी हम फिर से करते हैं क्या कह रहे हैं कि छः अंकों की तो एक तो एक दो तीन चार पाँच यानि टोटल नंबर छः हो गए और इस तरह से जो वर्गमूल निकल आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आंसर यहाँ पे लिखा जाता है यहाँ पर जितना आता है वहाँ पे इतना आना चाहिए और उसके बाद वही नंबर आपको मान लीजिए सपोज देन मैं सपोज देन के लिए बता रही हूँ यहाँ पर दो अगर आता है तो दो आपको यहाँ पर भी लिखना होता है और दो नंबर उसके नीचे भी लिखना होता है अगर तीन यहाँ पर मान लीजिए आता है

तो आप राइट हैंड की तरफ से बनाएंगे है ना तो राइट हैंड की तरफ से आपने जोड़े बनाए जोड़े आपके टोटल बने तीन और यहाँ पे अगर एक नंबर और होता तो वो एक नंबर का जोड़ा बन जाता है ना क्योंकि आपको जोड़ा तो बनाना रहता है लेकिन यहाँ पे आपको छः अंक की संख्या यानी सम संख्या पूछी गई है यानी छः अंकों की तो हमने छः अंकों की लिखी है ठीक है ना तो अब चलते हैं स्टार्ट करते हैं अगर हम इसको दो से करेंगे तो दो दू ना चार देखिये अभी छोटा है फिर आ, क्या करेंगे तीन तिया नौ तीन तिया नौ यानी इसमें क्या होता है कि एक नंबर कम रह जाए लेकिन एक नंबर ज्यादा ना हो और अगर हम तीन तिया नौ ना करके चार चको सोलह कर दे तो तो बहुत ज्यादा चला जाएगा दस से बाय सोलह काफी बड़ा होता है, है ना तो ना तो हम इसको दो से कर सकते हैं दो दो ना चार ही रहेगा तो बहुत छोटा है और चार से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा यानी कि तीन से हम इसको क्या कर सकते हैं हम इसको तीन से कर सकते हैं यानी तीन तिया और नौ हो जाता है ठीक है ना अब जो नंबर यहाँ पे आया है वही नंबर हम यहाँ पे नीचे उतार लेंगे फिर क्या करेंगे हम लाइन कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे और यहाँ पे माइनस करना रहता है अब दस में से नौ गए तो कितने बचे? एक बचा और तीन और तीन छः अब थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे साइड में कर देते हैं और यहाँ पे क्योंकि कुछ अंक लिखना होता है हमें जब हम कंटिन्यू करते हैं तो कुछ अंक हमको क्या करना होता है तो कुछ अंक हमको लिखना होता है अब देखिए क्या करेंगे अब यहाँ पे आपका एक है और यहाँ पे आपके छः हैं और नियम आप जानते हैं यहाँ पे आपको बड़ा करना यहाँ पे छोटा ऐसा नहीं इसको मिटा के छोटा करना है आपको आपने नंबर में बढ़ा कर और शर्त यह है कि आपको जोड़े से जोड़ा यानी जोड़ा ही उतारना रहेगा एक नंबर आपको नहीं एक जोड़ा उतारना रहेगा तो आपने इस जोड़े को उतार लिया यहाँ पे बने कितने तो सौ बन गए आपने ये जोड़ा उतार लिया तो सौ बन गए अब अगर हम एक से इसको करते हैं तो यहाँ पे एक हो जाएगा अभी देख लेते हैं पहले रफ भी करना रहता है ऐसा नहीं है कि आप फेर ही करते चले जाएं आपको सोचना समझना भी रहता है तो अगर एक से करेंगे तो इकसठ इक्नम इकसठ और अगर दो से कर देंगे तो देखिए दो से करने पर दो दूना चार और दो छंग बारह हो जाता है यानी बड़ी संख्या हो गई हमें यहाँ तक ही रहना है सौ तक रहना है उससे कम हो जाए मगर ऊपर ना हो तो यानी एक से ठीक है एक से हम कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने एक लिख लिया यहाँ पे एक लिख लिया और यहाँ पे भी हम एक लिखेंगे तो इस तरह से हो जाता है अब क्या करेंगे तो एक एक कम अब यहाँ पे समझिए इकसठ इकन्नम कितना होता है तो इकन्नम मतलब एक ही बार गया तो इकसठ इकन्नम इकसठ हो जाता है अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे अब यहाँ पे देखिए जीरो है तो जीरो में से एक तो जा नहीं सकता अब क्या करेंगे यहाँ से इसको देंगे और यहाँ से इसको देंगे तो अब यहाँ पे दस बन गए और दस में से एक जाता है तो कितना बचता है तो दस में से एक जाएगा तो नौ बचेगा और उसके बाद यहाँ पे नौ है तो अब भाई इसने इसको दे दिया था ना तो नौ है और नौ में से छः जाते हैं तो कितना बचता है तीन बचता है तो यहाँ पे तीन बच गए और यहाँ पे कुछ रह ही नहीं गया तो ऐसे भी कर सकते हैं ज़ीरो भी कर सकते हैं अब क्या करेंगे अब यहाँ पे देखिए ये एक और एक कितना होता है तो दो हो गए और ये हमने यहाँ पे उतार लिए इतना तो करना है अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे कुछ अभी नंबर हमें लिखने हैं तो जब हमें कुछ नंबर लिखने हैं तो हम क्या करेंगे अब उस नंबर को लिखने के लिए अब यहाँ पे बासठ है यहाँ पे उनतालीस है यानी फिर वही है यहाँ पे कम है यहाँ पे यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है तो यहाँ पे क्या करेंगे अब हम इस जोड़े को उतार लेंगे यानी दो जोड़ों को उतार लेंगे अब बना उनतालीस सौ यानी तीन हजार नौ सौ बना और यहाँ पे बासठ है अब हम इसको किस संख्या से काटें जो ये हमारा कट जाए तो लगभग जैसे दो से काटेंगे तो बहुत छोटा रहेगा है ना तीन से भी बहुत छोटा रहेगा लगभग हम पाँच या छः से काट सकते हैं ठीक है ना तो हम इसको क्या करते हैं छे से काट लेते हैं देखते हैं छः से काटने के बाद तो आपका ये पहले से यहाँ पे बासठ तो पहले से तो ये छः और ये छः यहाँ पे हमने ले लिए ये यहाँ से मतलब नहीं है ठीक है ना हमने इसको हटा दिया अब क्या करेंगे छः चार छत्तीस हो जाता है है ना छः चार छत्तीस छत्तीस के कितने होते हैं तो छः होते हैं और छोनी बारह और तीन पंद्रह के पाँच और हासिल एक हो जाता है छः चार छत्तीस और एक सैंतीस ये आपका इतना हो जाता है सैंतीस छप्पन अब यहाँ पे आप समझिए सैंतीस छप्पन यानी छः बार आपका ये सही है ये आपका छः बार सही है और यहाँ पे आपका सैंतीस और छप्पन ये हो जाता है लेकिन एक चीज आप समझिए यहाँ पे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि छः अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी अगर हम इसमें उस तरह से कर दें जब बड़ी से बड़ी पूछी जाती है उसमें इसमें हम अगर कर दें तो अगर हम इनको माइनस कर देंगे यानी कि उनतालीस सौ में से सैंतीस सौ छप्पन को हम माइनस कर देंगे तो यानी कि हमको ये जो इन्होंने संख्या पूछी है छः अंकों की इसमें से माइनस कर देंगे तो छः अंक नहीं बचेंगे फिर पाँच अंक बचेंगे तो हम हमको तो छः अंक का आंसर देना है तो जब ये छह से कट रहा है तो हम इसको एक संख्या आगे बढ़ा देंगे यानी क्या करेंगे हम सात से इसको काटेंगे कितने से काटेंगे तो हम सात से काटेंगे और सात से काटने पर जो हमारा आंसर आता है वो आता है आपका तैतालीस तैतालीस नवासी यानी कि फोर थ्री एट नाइन आता है अब क्या करेंगे जो आंसर आया है उसमें से उनतालीस सो हम माइनस कर देंगे ठीक है ना तो आपका जो निकल कर आया है ती, ये आपका चार तीन आठ और नौ ठीक है अब इसमें से हम उनतालीस जीरो और जीरो इतना माइनस कर देंगे तो नौ आ, नौ का नौ रहेगा और आठ में से कुछ नहीं गया तो आठ ही रहेगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा तेरह और तेरह में से नौ गए तो कितना बचा चार बचा और यहाँ पे आपका कुछ नहीं क्योंकि इसने इसको दे दिया था तो यहाँ पे कुछ नहीं चार सौ नवासी है ना तो जब चार सौ नवासी आपके बचे तो जो आप यहाँ पे ये यह ध्यान रखिएगा चार सौ नवासी बचे हैं ये पेज नहीं है थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं तो चार सौ नवासी चार सौ नवासी आया अब इसको क्या करेंगे जो आपकी संख्या है छह अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो है उसको ले लेते हैं तो एक दो तीन चार पांच, ये छह अंकों की गए अब इसमें जो आपका ये आंसर निकल कर आया है इसको चार सौ नवासी को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे और जब प्लस करेंगे तो आपका जो है इतना निकल कर आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा तो इस ये जो आपका ऑप्शन है वो किस में है तो ये जो ऑप्शन आपका हो जाता है वो देखिए सौ चार नवासी ये देखिए आपका ऑप्शन में है यानी ये आपका राइट हो जाता है तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा क्योंकि इसमें क्या करना होता है इसमें एक संख्या बढ़ा के किया जाता है क्योंकि इसमें आंसर तभी आएगा आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है आपका पांच अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसमें क्या करेंगे पांच अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या तो सबसे पहले पांच अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्वेश्चन आपका हो जाता है पांच अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है अब ये क्या पूछ रहे हैं कि जो पांच अंकों की बड़ी से बड़ी यहां पे समझिए तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है तो नौ होती है फिर दो अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है तो निन्यानवे होती है क्योंकि निन्यानवे में जैसे ही आप एक जोड़ देंगे वो सौ बन जाएंगे सौ मतलब तीन अंक हो जाएंगे इसी तरह नौ में जैसे ही आप एक नंबर जोड़ेंगे उसमें क्या हो जाएगा वो दस हो जाएंगे और दस क्या है तो दो अंक की छोटी संख्या सबसे है, है ना तो इस तरह से क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि पांच अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या तो पांच अंकों की आपको बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है तो इससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा वर्गमूल इसका वर्गमूल निकालना होगा तो देख लेते हैं पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो एक बार नौ दो बार नौ तीन बार नौ चार बार नौ और पांच बार नौ यानी ये पांच अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई ठीक है अब क्या करेंगे वही विधि जैसे अभी हम लोग कर रहे थे वर्गमूल तो भाई वैसे ही निकाला जाएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो अब इसमें क्या करेंगे जोड़े बनाएंगे तो दो दो अंक के जोड़े बनते हैं ना और अपने जो राइट हैंड राइट हैंड की तरफ से जोड़े बनते हैं तो पहला जोड़ा आपका ये हो जाता है फिर दूसरा जोड़ा आपका ये हो जाता है और तीसरे जोड़े में आपका नंबर एक सिर्फ नौ बचा अब इसको किससे काटेंगे तो अगर हम दो से काटेंगे तो दो दूना चार तीन तिया नौ तो सिंपल सी बात है तीन से ये पूरा पूरा कट जाएगा तो तीन तिया नौ हो जाएगा और जब यहाँ पे तीन हमने रखा है यहाँ पे तीन रखा है हालांकि आंसर तो आपका यहाँ पे आता है लेकिन जब वर, वर्गमूल के लिए पूछे ठीक है ना तो आपका क्या हो जाता है तीन तीन और यहाँ पे तीन और कितना तीन तिया नौ है ना तीन तिया कितना हो जाता है तो नौ हो जाता है उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ से माइनस करेंगे और यहाँ से आप प्लस करेंगे यानी तीन तीन को प्लस करना है और नौ से नौ को माइनस करना है तो तीन और तीन छः हो जाते हैं अब यहाँ पे कुछ कोई नंबर ऐसा है जिसको रखना है अब यहाँ पे क्या करेंगे नौ में से नौ गया तो कुछ नहीं बचा जीरो बचा है ना अब क्या करेंगे एक नंबर उतार लेंगे तो नौ और नौ निन्यानवे यानी अब छः से अगर हम दो बार लेते हैं तो दो बार लेने का मतलब क्या हो जाता है दो बार लेने का मतलब ये बासठ हो जाते हैं यानी सिक्सटी टू हो जाते हैं और तो बहुत ज्यादा होगा दो दूना चार दो छंग बारह एक सौ चौबीस और हमको निन्यानवे तक ही रखना है यानी जाहिर सी बात है एक से कट एक से रहेगा ना तो एक और एक यहाँ पे भी हमने रख लिया और एक हमने यहाँ पे भी रख लिया ठीक है ना अब क्या करेंगे अब हम इसको देखिये एक एकम एक कम एक, 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 एक और क्या हो जाएगा एक छ का छ यानी इकसठ यहाँ पे हो जाएगा अब क्या करेंगे अब देखिए नौ में से एक गया तो कितना बचता है नौ में से एक गया तो आपका आठ बचता है और नौ में से छः जाता है तो कितना बचता है तो तीन बचता है अब यहाँ पे एक और एक दो हो जाते हैं और ये छः अब यहाँ पे ये अड़तीस हैं और आपके ये बासठ है अभी यहाँ पे कोई नंबर आपको रखना है अब क्या करेंगे अब हम दूसरा जोड़ा उतार लेंगे दूसरा मतलब यहाँ से तो तीसरा है लेकिन जोड़ा तो आपका एक दो तीन ये टोटल है ना तो अब हम ये वाला जोड़ा उतार लेंगे तो नौ और नौ यानी निन्यानवे उतार लेंगे अब आपका कितना बन के आया तीन हजार आठ सौ निन्यानवे अब इसके लिए क्या करेंगे तो अगर देखिए दो से तो कम ही रहेगा क्योंकि तीन हजार आठ सौ निन्यानवे और अभी अभी हमने पिछला जो इसी तरह से जो एक वर्गमूल निकाला तो उसमें लगभग छे से जा रहा था तो लगभग छे ही से निकाले क्योंकि इस तरह से आपको अनुमान लगाना रहेगा ये नहीं कि लेके बैठ गए नहीं दो से पहले करेंगे तीन से करेंगे कभी आ ही जाएगा अरे कभी तो आएगा लेकिन फिर टाइम कहाँ है आपके पास इतना है ना तो थोड़ा सा सेंस भी लगाना रहता है तो यहाँ पे आपका छे से देख लेते हैं छ और छे यहाँ पे भी रहेगा है ना अब हम क्या करेंगे देखिए छ जब यहाँ पे रखा तो सब कहीं आपको छे छे रखना रहेगा अब क्या करेंगे हम देखिए छः छाँच छत्तीस हो जाता है कितना हो जाता है तो छः छाँच छत्तीस छत्तीस के छः और हासिल कितना हो जाता है तो तीन जा हो जाता, जाता है फिर उसके बाद देख लेते हैं छः दूनी बारह और तीन कितना होता है तो पंद्रह और पंद्रह के पाँच और हासिल कितना हो जाता है एक हो जाता है छः छाँच छत्तीस और एक सैंतीस यानी तीस आपका सैंतीस छप्पन निकल कर आया अब इसको क्या करेंगे तो माइनस कर लेंगे जब माइनस करेंगे तो नौ में से छः गया तो बचा तीन और नौ में से पाँच गए तो बचा चार और आठ में से सात गए तो एक बचा और तीन में से तीन गया तो कुछ नहीं आप जीरो भी लगा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है अब क्या करेंगे अब यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहे हैं तो इसमें क्या करना रहेगा हम समझ लेते हैं तो एक सौ तैतालीस बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करना होता है जो ये आपके पांच बार नौ है एक दो तीन चार पाँच इसमें क्या करेंगे आपका एक सौ तैतालीस कितना है तो एक सौ और आपका तैतालीस है इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे है ना तो नौ में से तीन गया तो आपका छः हो जाता है नौ में से चार गया तो आपका पाँच हो जाता है और नौ में से एक गया तो आपका आठ हो जाता है और उसके बाद आपका नौ और नौ हो जाता है यानी कि आपका निन्यानवे आठ छप्पन ये निकल कर आया है आप देख लें कहाँ पे ये ऑप्शन है तो निन्यानवे आठ छप्पन आपका सौ ऑप्शन में है यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है आप हम इेज कर देते हैं तो निन्यानवे आठ छप्पन आपका सा ऑप्शन में हो जाता है इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है क्वेश्चन है एक से सौ तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होंगी एक से नहीं यहां पे सौ नहीं एक हजार है सॉरी एक से एक हजार तक की पूर्ण घन कितनी होती हैं कितनी होती है ये चीज कह रहे हैं तो जैसे आप लोगों को पता है एक का घन कितना होता है तो एक को आप कितनी भी बार तो एक का घन आपका एक हो जाता है दो के घन की बात की जाए तो कितना होता है तो दो के घन की बात की जाए तो आठ होता है यानी दो दूना चार दूना आठ तीन के घन की बात की जाए तो कितना होता है तो तीन ती अनौतरिक्त सत्ताइस हो जाता है ना फिर आपका चार के घन की बात की जाए तो चार का घन आपका हो जाता है चार चक्कू सोलह चक्कू चौसठ हो जाता है है ना इसी तरह पांच का घन पचम पच्चीस एक सौ पच्चीस यानी पांच का घन कितना होता है तो पांच का घन एक सौ पच्चीस होता है पांच का घन एक सौ पच्चीस होता है छ का घन छाक छत्तीस और छत्तीस जगह दो सौ सोलह हो जाता है यानी कि छ का घन आपका दो सौ सोलह हो जाता है इसी तरह सात का घन हो जाता है कितना हो जाता है सो सात सती उनचास तीन सौ तैतालीस कितना हो जाता है तो तीन सौ तैतालीस आठ का घन आपका हो जाता है आठ अठाई चौसठ और चौसठ अठी कितना होता है तो आपका पाँच सौ बारह हो जाता है यानी कि आठ का घन पाँच सौ बारह हो जाता है इसी तरह नौ का घन कितना हो जाता है तो नौ का घन नौ नवा इक्यासी और इक्यासी नवा कितना होता है तो सात सौ उनतीस हो जाता है कितना होता है तो सात सौ उनतीस हो जाता है और दस का तो दस का आपका घन हो जाता है एक हजार कितना हो जाता है तो एक हजार अगर ग्यारह की बात करें तो इस तरह से ग्यारह का घन तेरह इकतीस लेकिन यहां पे बात जो हो रही है वो एक से एक हजार तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं तो आप काउंट कर लें एक ये एक का घन है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस यानी टोटल कितनी होती हैं तो दस संख्याएं यानी कि एक से एक हज़ार यानी एक घन करते हैं तो एक आता है और तो दस संख्याएं होंगी पूर्ण घन की कितनी होंगी तो पूर्ण घन की दस संख्याएं होंगी इस तरह से आपका जो ऑप्शन है दा यानी दस तो ये आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन है आपका सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या तो आपकी एक हो जाती है यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है क्वेश्चन है 201 स्क्वायर गुणे 200 माइनस क्यू का मान ज्ञात कीजिए तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको समझ लेते हैं जो आपका ये क्वेश्चन हो जाता है फिफ्टी वन नंबर का क्वेश्चन हो जाता है अब इसमें क्या करेंगे तो दो सौ कॉमन ले लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे दो सौ कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा दो सौ और इसके अंदर दो सौ एक स्क्वायर माइनस दो सौ और आपका स्क्वायर हो जाएगा अब आपका हो जाता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और आपका हो जाता है ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पे देख लेते हैं तो आपका सबसे पहले क्या हो जाता है बराबर में दो सौ और आपका दो सौ एक प्लस दो और गुड़े आपका हो जाता है अगर नहीं भी यहाँ पे तो आप तो अंडरस्टूड है ये चीज़ कि गुड़े का निशान लगता है है ना तो ये 201 सौ एक माइनस आपका दो ठीक है ना इस तरह से उसके बाद है बराबर 200 सौ गुड़े चार सौ एक अब जब आप इसमें प्लस करेंगे ना दो सौ एक और दो सौ को तो चार सौ एक होगा और गुड़े कितना होगा तो आपका आपका यहाँ पे देखिए माइनस है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी में तो दो सौ एक माइनस दो सौ यानी कि एक अब क्या करेंगे दो सौ दो सौ गुड़े चार सौ एक कितना तो चार सौ एक उसके बाद आपका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो अस्सी दो सौ यानि कि सैकड़ा हजार दस हजार अस्सी हजार दो सौ आपका होगा अब आप इसमें देख लें कहाँ पे ये ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन बा है ये देखिए आप देख सकते हैं तो बा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ठीक है ना उसके बाद क्वेश्चन है आपका किसी युगपथ समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है कितनी विधियों की तो तीन या चार या दो या एक तो किसी युगपथ समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है तो युगपत समीकरण में दो चर राशियां होती हैं इसको हल करने के लिए कम से कम दो राशियां होती हैं और इसमें दो विधियों की सहायता ली जाती है कौन कौन सी दो विधियों की सहायता ली जाती है तो आपकी प्रतिस्थापन विधि हो जाती है और विलोपन विधि हो जाती है है ना तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाता है वो सा ऑप्शन यानी कि दो हो जाती हैं क्वेश्चन है, है विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा दस मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत है दस बारह आठ नौ ग्यारह उन्नीस तेरह दस बीस और बाईस मैच के आंकड़ों की का बताओ तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा तेरह पॉइंट पाँच या ग्यारह या नौ या ग्यारह पॉइंट पाँच तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या करते हैं सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए जो भी आंकड़े दिए जाते हैं उन्हें एक क्रम में लगाते हैं है ना तो एक क्रम में हम इसको लगा लेते हैं तो सबसे छोटी संख्या आप इसमें देख सकते हैं देखिए आपकी आठ हो जाती है ना तो हम आठ लिख लेते हैं उसके बाद आठ के बाद कौन सी संख्या हो जाती है तो आपकी नौ हो जाती है तो नौ लिख लेते हैं फिर नौ के बाद यहाँ पे दस संख्या लिख लेते हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जैसे रिपीटेड संख्या है जैसे दस दो बार आया है तो हम उसको एक ही साथ में लिखेंगे ऐसा नहीं है कि अलग अलग तो जब दस है तो भाई हम जब सीरियल वाइज लगाएंगे यानी आरोही क्रम में लगाएंगे आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े में तो हम जो अगर दस है दो बार तो हम दोनों बार पहले लिख लेंगे ठीक है ना तो यहाँ पे दस हो जाता है फिर उसके बाद दस के बाद क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्यारह है तो ग्यारह को लिखेंगे फिर उसके बाद कितना है तो बारह हो जाता है ग्यारह के बाद यहाँ पे देखिए बारह है और वो एक बार है ठीक है ना फिर वो लिख लेंगे फिर उसके बाद बारह के बाद कितना है तो तेरह है तो इसको तेरह को लिख लेंगे फिर उसके बाद तेरह के बाद कितना है तो बीस यहाँ पे है, है ना तो बीस लिख लेंगे और बीस के बाद आपका बाईस हो जाता है अब देख लेंगे उतनी ही संख्या हमने लिखी है जितनी है पहले से तो हम काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ पे टेन है और जो अभी इसको आरोही क्रम में लगाया है उसको भी देख लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ पे नाइन नाइन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या ऐसी है जो छूटी हुई है जैसे आठ नौ दस दस ग्यारह और बारह तेरह और उसके बाद यहाँ पे उन्नीस होना चाहिए था देखिए ऐसा हो जाता है क्योंकि आपको ये यह यहाँ पे काउंट करना रहता है अगर आप काउंट नहीं करेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो गलत निकल कर आएगा है ना तो इस तरह से आप इसको काउंट कर लेंगे यानी कि अब हमारा यहाँ पे ये यह जो सीरीज़ है ये सही है अब क्या करेंगे जो संख्याएं दी गई हैं तो दस हैं यानी सम है और सम और विषम तो आप जानते हैं कि दो अलग अलग सूत्र होते हैं सम का अलग होता है और विषम का अलग होता है एक चीज़ ध्यान रखिएगा जब सम संख्या होगी तो सूत्र दूसरा लगेगा है ना सूत्र दूसरा लगता है और जब विषम संख्या होती है तो सूत्र दूसरा लगता है तो यहाँ पे कौन सा है तो यहाँ पे सम है यानी नंबर आपके कैसे हैं तो दस हैं यानी कैसे हैं तो सम हो जाते हैं अब जो सूत्र है उसकी बात कर लेते हैं तो जो आपका सूत्र है वो आपका हो जाता है माध्यका माध्यका और बराबर है एक बटा दो और एन बटे दो पद एन बटे दोवाँ पद हो जाता है और हो जाता है प्लस एन बटे दो प्लस वन और ये आपका क्या हो जाता है पद यहाँ पे वहां पद ठीक है ना इस तरह से आप सूत्र लिखेंगे अब क्या करेंगे कि बराबर एक बटा दो और पांचवा पद पांचवा पद प्लस छवा पद क्या करेंगे प्लस छवा पद अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे एक बटा दो बराबर क्या रहेगा तो एक बट्टा दो और ग्यारह प्लस बारह ग्यारह प्लस बारह तो यहाँ पे कितना बनेगा तो तेईस बटे दो तो जब आप इसको काटेंगे यानी कि भाग करेंगे तो ग्यारह यानी तेईस का आधा कितना होता तो ग्यारह पॉइंट पाँच यानी साढ़े ग्यारह है ना ग्यारह पॉइंट पाँच यहाँ पे हो जाएगा तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है यानी दा ऑप्शन है और एक तरह एक तरीका और है एक तरह से आप और इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर ये आपका शॉर्ट में आता है जैसे यहाँ पे आपका शॉर्ट में दिए हुए हैं जैसे बहुविकल्पी टाइप में दिए हुए हैं तो इतना लेंदी सब ना करें तो इसमें क्या करेंगे क्योंकि टाइम की कमी होती है तो सबसे पहले आपने इसको सीरियल में लगा लिया इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा लेंदी हो जाता है मगर चीज़ों को समझेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया ये तो भाई आपको करना ही रहेगा है ना तो नौ दस और दस यहाँ पे हो जाते हैं फिर ग्यारह हो जाते हैं ग्यारह के बाद आपका बारह हो जाता है तेरह हो जाता है और उन्नीस है और उसके बाद बीस है और उसके बाद बाईस है ये आपने क्या किया आरोही क्रम में इसको लगा लिया फिर उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पे काउंट कर लिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यानी ये सम संख्या अब इसमें हम सम में क्या करते हैं तो दो संख्या लेते हैं क्योंकि बीच की संख्या से कैसे आप भाई लेंगे दस में से आप आधा आधा करेंगे तो पांच होंगी पांच इधर हो जाएंगे पांच इधर हो जाएंगे बीच में कुछ बचेगा ही नहीं लेकिन इसमें क्या करना होता है जैसे एक दो तीन चार हमने ये संख्या इसको अलग कर ली फिर उसके बाद एक दो तीन चार ये संख्या हमने इसको अलग कर लिया अब बची कितनी संख्या ग्यारह और बारह दो संख्या बची इसको क्या किया हमने ग्यारह और प्लस बारह को हमने क्या किया जोड़ लिया तो आंसर कितना आया आंसर निकल कर आया आपका तेईस और तेईस बटा दो कर दीजिए और इसको काट दीजिए तो आपका आंसर निकल कर कितना आ जाएगा ग्यारह पॉइंट पाँच तो हमने बताया क्योंकि हमको समझाना है आप लोगों को इसलिए हमको टाइम लगा लेकिन जब आप करेंगे तो फटाक से आपने क्या किया इसको आरोही क्रम में लगाया इसमें बीच के दो नंबर ले लिए उसको प्लस कर दिया और उसको भाग कर दिया दो से और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ठीक है ना अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन है किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख न्यून कोण अधिक कोण तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है तो सम्मुख कोणों का योग 180 180 डिग्री का होता है और इन्हें संपूरक कोड़ बोला जाता है जहाँ दो कोड़ों में संबंध की बात की जाए वहाँ पर पूरक या संपूरक की बात होती है तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाता है यानी किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है यानी होते हैं तो आपका संपूरक हो जाता है यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है क्वेश्चन है आपका चक्रिय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है अभी हम लोगों ने पढ़ा तो उसका आंसर तो आपने फटाक से कर लिया होगा यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु व्रत पर होते हैं एक दो तीन चार तो इसको समझ लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों शीश व्रत पर स्थित होते हैं तो इसको समझ लेते हैं कैसे स्थित होते हैं तो व्रत मतलब आपका एक ये सर्किल हो गया अब क्या कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष व्रत पर स्थित होते हैं तो व्रत पर स्थित होते हैं है ना चारों शीर्ष व्रत पर स्थित होते हैं और इसको क्या क्या नाम दे दिया ए बी है ना नाम दे दिया ए बी और सी और डी है ना ये हो जाते हैं यहाँ पे और उसके बाद देखिए क्या है कितने चक्रीय बिंदु हैं होते हैं तो ये शीर्ष होते हैं इन्हीं को हम चक्रीय बिंदु कहते हैं इनको क्या कहते हैं तो चक्रीय बिंदु कहते हैं तो इस तरह से ए बी सी डी ये चार चक्रीय बिंदु होते हैं यानी कि ए बी सी और डी ये चार चक्रीय बिंदु हो जाते हैं तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन चार यानी दा ऑप्शन में है वो राइट हो जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति यानी प्रवृत्ति के माप हैं तो मध्यांक बहुलांक उपयुक्त सभी तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की ये सभी मापे हैं सभी आंकड़े जो दिए रहते हैं उनके केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में नेचर के बारे में बताते हैं चाहे वो मध्यमान हो मध्यांक हो बहुलांक हो कुछ भी हो तो बताते हैं तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है तो वो उपर्युक्त तो सभी यानी कि द ऑप्शन राइट हो जाता है ठीक है ना क्वेश्चन आपका हो जाता है फिफ्टी एट नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है तो विवरण के आधार पर गुणों के आधार पर मात्रा के आधार पर या उपर्युक्त सभी तो गुणात्मक यानी गुण के गुण नाम ही से पता चलना ना कि गुणात्मक यानी गुण के आधार गुण के आधार पर इस तरह आपका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाता है यानी कि गुणों के आधार पर है ना गुणों के आधार पर मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि मध्यमान निकालने के लिए सभी जितने पद दिए रहते हैं उनको जोड़ दिया जाता है है ना और जितने पदों की संख्या होती है ये उसके भाग यानी उसको भाग दे दिया जाता है यही तो होता है ना कि पदों का योग बटे पदों की संख्या और यहाँ पे जो सिग्मा हो जाता है देखिए सिग्मा तो सब में है हम अभी एक को उठा लेते हैं तो सिग्मा आपका जो सिग्मा है तो सिग्मा इस सिंबल को सिग्मा कहते हैं किस सिंबल को जो इस तरह से बना होता है तो इस सिंबल को सिग्मा कहते हैं और जहाँ पर लग जाता है उसका मतलब जोड़ हो जाता है अगर सिग्मा लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको जोड़ना है जोड़ हो जाता है तो सिग्मा एक सिग्मा के पास एक्स यानी जितने पद हैं सभी का योग यानी कि सिग्मा एक्स अपॉन एन हो जाता है यानी पदों का योग और पदों की संख्या तो इस तरह से जो आपका आंसर निकल कर आता है वो हो जाता है बा ऑप्शन यानी एम बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन हो जाता है क्वेश्चन है निम्न संख्याओं का मध्यमान है यहाँ पे समझ लेते हैं कि निम्न संख्याओं का मध्यमान है तो सबसे पहले क्या करते हैं मध्यमान निकालने के लिए तो जो ये संख्याएं हैं इन सारी संख्याओं को प्लस कर लेते हैं तो आपका छः और आठ कितना हो जाता है तो और आठ आपका हो जाता है चौदह और चौदह और नौ कितना हो जाता है इनको प्लस करना है चौदह और नौ कितना हो जाता है तो चौदह और नौ आपका हो जाता है तेईस और तेईस उसके बाद तेरह बचा तो आपका तेरह तो तीन तीन छ हो जाता है और दो और एक तीन हो जाता है यानी छत्तीस हो जाता है अब छत्तीस में आपको चौदह जोड़ने हैं तो आपका ये कितना छः चार दस का जीरो हासिल लगा एक तीन और एक चार और एक पाँच यानी यहाँ पे पचास हो जाते हैं अब क्या करेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या यानी निम्न संख्याओं का मध्यमान निकालना है तो पदों का योग यानी पदों यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या तो हम क्या करेंगे और संख्या कितनी है पदों की वन टू थ्री फोर फाइव हो जाती है और यहाँ पे आंसर कितना फिफ्टी निकल कर आया है तो आपका फिफ्टी बाई फाइव हो जाता है अब आप इसको काट दो फाइव वन जो फाइव और फाइव वन जो फाइव और जीरो यहाँ पे ऐसे हो जाता है ना तो इसका मतलब आंसर निकल कर आया आपका टेन यहाँ पे आप देख ले ऑप्शन में है ऐसा कोई ऑप्शन तो सा ऑप्शन है यानी कि जो टेन है वो निकल कर आ गया है अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन आपका हो जाता है आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है वो कहलाता है तो आवृत्ति वितरण आवृत्ति जो बार बार आता है बारंबारता में जिस संख्या की सबसे अधिक पुनरावृत्ति होती है वो बहुलांक या बहुल कहलाता है यानी कोई नंबर बार बार आ रहा है जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही है वो होता है ठीक है ना तो वो बहुलांक होता है या बहुलक होता है तो इस तरह से सा ऑप्शन आप का राइट हो जाएगा क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठम प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की या परिभाषा किसने दी तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठम प्रतिनिधित्व करता है परिभाषा दी है रॉस ने तो इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और फ्रेंड्स चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी अगर आप लोगों का आप लोगों को कहीं पर कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको क्लियर करना है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से जरूर करें हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें थैंक यू